खुदाबंद का रूप मुझे कह रहा है कि मैं प्रार्थना वचन की कर रहा हूं, पर मैं एडवांस में आपको कहता हूं, आज आपके बाजू की जो आपके बाजू है, जो आपकी बाहें हैं, उनके जो भी हालात हैं आज वो जाने वाले हैं। मैंने कहा वो जाने वाले हैं। सारे बाजू के रोगों को परमेश्वर आपको वचन दे चुका है। सारे बाजू के रोग आपको छोड़कर जाते रहे। जितने प्रकार के आपके बाजुओं में रोग है, आपके बाजू सीधे नहीं होते, उनमें दर्द है। हर अंधकार की नेगेटिविटी की आत्मा राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस आउट, राइट नाउ शी शट। आप इस रोग से हील हो जाओ। मैंने कहा शी शट, आप अपने बाजुओं के रोग से हील हो जाओ। राइट नाउ जो ऑनलाइन है रिसीव करो। खुदावन जो वचन देता उसे पूरा करता है। उठाओ उठाओ अपने बाजू को, हलाओ, जो नहीं हो रहा वो करके देखो। अपोस्टल ये सिस्टर बता रही कि एक हफ्ते हो गया इनके राइट बाजू में बहुत ज्यादा दर्द थी, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान थे और इनको वस्त्र पहनने भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। ये अपनी बाजू ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते थे, इतनी दर्द थी। लेकिन आज आपके मुख से जो परफेटिक वर्ड आया इन्होंने रिसीव किया और आज परमेश्वर ने इनको इंस्टेंटली डिलीवरेंस कर दिया। अब बाजू में कोई भी दर्द नहीं है। अरे क्या कहें हम, क्या उस परमेश्वर को याद कर कैसे उसकी महिमा करें। ये छोटी बात नहीं है। देखो उसे कपड़े भी नहीं पहने जा रहे थे, इतनी सज्जे सज्जे वाली ना बाजू, सज्जे वाली। पापा मैं आज सवेरे रो के आई, सिर मान लगी तो सिर नहीं हंसला पया मेरे को। लो देख लो, ये रो रहे थे कि सुबह अपना कंघी भी नहीं, अपने सिर को भी नहीं, मतलब क्या कर पा रहे थे, समझ आ रही। और ये रो रहे थे सुबह, ये क्या हो गया मुझे। ये छोटा बात है, ये छोटी चीज है, ये छोटा काम है। अरे जोर से तारीफ करो उस जीवित परमेश्वर की, जोर से, जोर से करो, जोर से, जोर से। जय मसीह की। पापा जी मेरे सवेरे बहुत ज्यादा दर्द होने, मैं पीछे रोन दी ही जो ताडे मुख तो वचन छू तो पहला आया कि जीदा दर्द हो जात हो चुके, मेरी दर्द उसी वाले खत्म हो गई। ओ देखो, देख लो भाई, मैंने कहा तुम्हारा बच्चा बोलना नहीं जानता, तुम्हें पता है इसने सुसु कर दिया इसलिए रो रहा है, इसे भूख लगी। तुम जिसके बच्चे हो उसको पता है। बस फेथ से आओ, विश्वास से आओ, तुम बड़े बड़े कामों को देखोगे। आपको कितने दिन से थी? हफ्ता हो गया पापा जी। दोनों बाजू में थी, हां वाली जड़ी इधरली साइड थे। ते जदो इस तरह पे जदो ताड़े आंदे मुंह दा वल्ट निकलया परमेश्वर वालों, उदो उससे टाइम ही दर्द हट गई। ओ लो आगे पूछो, आगे आगे बताओ, आगे बताओ। जय मसीह दी पापा जी। जय मसीह की। दो हफ्ते हो गए मेरी बांह से दर्द हुंदी सी, सीधी भी नहीं हुंदी, आज सीधी लगन दी जी। अच्छा सीधी भी नहीं हो रही थी? हां जी, हाथ भी विंगा हो गया ही मेरा। हां हाथ भी विंगा हो गया ही, हाथ हाथ भी आपका टेढ़ा हो गया था। विंगा मतलब टेढ़ा। हां जी बाई विंगी हो गई सी ना, एक साइड ते हो गई, जिस तरह हड्डी ते हड्डी चढ़ी। हां देखो एदा सी, हुन वधिया अज। जैसे हड्डी पर हड्डी चढ़ी और आपका बाजू टेढ़ा हो गया। हां जी हाथ भी सीधा नहीं हो रही थी ना, मतलब दर्द हुंदी सी बहुत ज्यादा। तो आज क्या हो गया? वधिया, आपका टेढ़ा हाथ और टेढ़ा बाजू सीधा हो गया। तारीफ करो भाई, तारीफ तारीफ। आगे आगे पढ़ लई पढ़ लई, यीशु ने मेरी बाह पढ़ लई। पढ़ लई पढ़ लई, यीशु ने मेरी बाह पढ़ लई। जय मसीह की। मेरी एक हफ्ते दो मतलब के आवा बाजू सुन सी ते दर्द सी एदे विच। एक हफ्ते से? हां जी। आपकी बाजू सुन थी, ये कौन सा है? ये राइट है ना, सज्जे वाला। सुन थी और दर्द थी, काम नहीं कर रही थी अच्छे से, और आज आपने अच्छे से चेक किया। हाँ जी। अभी कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं है। तारीफ करो भाई, तारीफ करो। सुनती उम्मीद जाग पई, सुनती उम्मीद जाग पई, यीशु ने मेरी बाह पड़ लई। बाह पड़ लई पड़ लई, यीशु ने मेरी बाह पड़ लई। हालेलुया। तो प्रेरित जी जैसे जी बहन बता रहे हैं कि दो तीन दिन हो गए इनके दोनों बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी। जी बता रहे हैं कि जी अपने बाजू बाजू से लेकर इनके कंधे तक दर्द जाती थी और जिसके कारण जी काफ़ी परेशान थे। और जी बता रहे जैसे प्रभु के दास के द्वारा प्रोफेटिक वर्ड्स है, इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया और जी बता रहे अभी बिल्कुल इस दर्द से फ्री है।
ये छोटी बात नहीं है। उसे पता है आपको क्या चाहिए, आपको पता है आपके आपका बच्चा बोलना नहीं जानता, हाँ आपको पता है इसे भूख लगी है, इसे दर्द हो रही है, इसे ठंड लग रही है, आपको पता है। जिस खुदा के आप संतान हो उसे पता आपको क्या चाहिए। तारीफ कर दो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। अगर आप भी किसी दुख परेशानी या हालात में हो या दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो तो ये हमारे चर्च का एड्रेस है और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो। आमेन।